नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल हूँ। आज शनिवार है और हर शनिवार की तरह इस बार भी आपको कहानी सुनाने का वादा है और अपने पिटारे में एक बार फिर से आपके लिए एक कहानी लेकर मौजूद हूँ आपके सामने। हर बार की तरह इस बार भी सोचा कि क्या करूँ। मैं कहानी लिख चुका था, शुरुआत हो चुकी थी उसकी, लेकिन अचानक मन में कुछ कौंधा तो मैंने उसे चेंज किया और फिर सोचा कि जो मौजूद है उसे ही किया जाए। और अगले हफ्ते एक बहुत बड़े आदमी, एक बहुत बड़ी शख्सियत, एक बहुत बड़े व्यक्तित्व का जन्मदिन और उस शख्स को हम महानायक हैं। समझे आप सभी, मेरा नाम अमिताभ बच्चन। वो 80 साल के होने जा रहे हैं, लेकिन अपनी मेहनत, अपनी अनुशासन, अपनी लगन और अपनी तमाम खूबियों के चलते, कैमरे पर जो उनका प्रेजेंस है उसके चलते आज भी वो स्टार ऑफ द मिलेनियम कहलाते हैं। आज भी वो वही, जहां से खड़े होते हैं लाइन वही तो लगती है उन्हीं की फिल्म का डायलॉग। हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहां खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। तो आज उन्हीं की कहानी सुना रहा हूं आपको, अमिताभ बच्चन। अब कोई नाम नहीं है, एक विशेषण। हम लोग बातों में बात करते हैं कि अबे अमिताभ बच्चन ना बनो, अबे तुम तो ऐसा कर रहे हो यार, ये बिल्कुल मतलब बिल्कुल अमिताभ बच्चन हो यार। भैया बाल तो देखो जरा, अमिताभ जैसे हुए जा रहे हैं यार। उसकी हाइट देखी, अरे भैया अमिताभ को मात कर रहे हैं। चीज के लैंडमार्क, मैं मेरा ही बचपन था जबकि जब कुछ बाल बढ़ा लेते थे, बीच मंग निकाल लेते थे, लंबे होते थे, ऐसे ही विशेषण दिए गए। तो अमिताभ ऐसे ही हो चुके। आदमी जितना ऊंचा उठता जाता है उसके बारे में उतनी ही चर्चाएं होती, वो उतना ही चर्चाओं में रहता है, कंट्रोवर्सीज भी होती हैं। अमिताभ के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। अब अमिताभ के साथ यूं तो बहुत कुछ हुआ, उनके कई अफेयर्स और उनके कई प्यार के किस्से भी, कई अफसाने भी उनके कई कहे गए, सुनाए गए, कई बार बहुतों के बारे में बहुत कुछ लिखा गया। आज मैं आपको उनके दो किस्सों के बारे में सुनाता हूँ, समझ जा रहा हूँ। बहुत मशहूर किस्म के किस्से हैं और चटखारे तो नहीं लेना शब्द इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन हाँ उनकी जिंदगी से बहुत जुड़े रहे हैं दोनों किस्से। और आज की अपनी कहानी को मैंने नाम दिया है महानायक से एक की नफरत एक का प्यार। आज दो एक्ट्रेसेस के किस्से हैं जिन्होंने अपने अपने तरीके से अमिताभ को देखा, उनका अलग अलग अंदाज अमिताभ को देखने का मिला और दोनों अपने अपने तरीके से अमिताभ से जुड़ी रही। पहले एक नफरत की कहानी सुना रहा हूं। पहला किस्सा है अमिताभ और परवीन बॉबी का। 70 और 80 के दशक में परवीन बॉबी के साथ अमिताभ की कई फिल्में आती हैं। दीवार आती है जबरदस्त, सुहाग आती है, हालांकि वो सुहाग में अपोजिट नहीं, दीवार में अपोजिट थे। कई सारी फिल्में, दोनों की अच्छी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री बहुत अच्छी थी। बाद में कुछ छपा कि दोनों का रिलेशन भी है, कहीं ये भी पता लगा कि अमिताभ का उनके घर आना जाना भी है। क्या था क्या नहीं था ये सब अलग तरह की बातें हैं, लेकिन हाँ अमिताभ के उनसे कुछ रिलेशन थे। लेकिन जब मीडिया बहुत सारी बातें आ गई, बहुत चर्चाएं होने लगी, तो अमिताभ ने धीमे से परवीन से किनारा कर लिया। जब परवीन से अमिताभ किनारा कर लेते हैं तो परवीन इस बात से काफी क्षुब्ध हो जाती है, काफी दुखी हो जाती है और उसके बाद उन्होंने अमिताभ पर कई एलिगेशंस लगाना शुरू कर दिए। उन्होंने
कहा कि अमिताभ मुझे मार डालना चाहते हैं, मेरी जान लेना चाहते हैं। एक बार तो उन्होंने ये तक कह दिया एक इंटरव्यू में कि अमिताभ मुझे किडनैप करके एक आइलैंड पर ले गए थे। बहुत गंभीर किस्म के आरोप लगाए। यदि परवीन की तरफ से देखें तो शायद उन्हें प्यार में कोई ठोकर लगी थी और इसकी वजह से वो काफी व्यथित हो गई थी। हालांकि परवीन कई लोगों के साथ रिलेशनशिप में भी रही, वो कहती हैं और कई बार है भी। डैनी ने भी इस बात को एक्नॉलेज किया है, डैनी डेंगजोंपा, कि वो परवीन बाबी के साथ काफी लंबे समय तक रिलेशन है। महेश भट्ट भी परवीन बाबी के साथ रिलेशन है। और कमोबेश यही चलता रहा कि परवीन इन सबके साथ रही लेकिन वो अमिताभ को नहीं भुला पाई। और बस यही होता है, जब अलगाव हुआ इस तरह की चीज हुई तो जहां भी रही, जिसके साथ भी रही या ना रही, अमिताभ पर वो एलिगेशन लगाती रही। परवीन ने ये भी कहा कि अमिताभ एक इंटरनेशनल गैंगस्टर हैं और वो उनकी पीछे पड़े हैं, जान लेना चाहते हैं। बहुत बड़ा आरोप। परवीन यहाँ तक नहीं रुकती है। एक फिल्म थी अमिताभ के अपोजिट थी और शूटिंग चल रही थी, फिल्म शान, शान डायरेक्ट कर रहे थे रमेश सिप्पी। उन्होंने ये आरोप लगाया कि अमिताभ झूमर गिराना चाहते हैं उनके ऊपर और झूमर गिराकर जान लेना चाहते हैं और इस पूरी साजिश में रमेश सिप्पी भी शामिल। बात बहुत बड़ी थी, अब अमिताभ को बात करने लगी थी तो अमिताभ कहा नहीं यार, आप कुछ करना चाहते हैं, बात ज्यादा हो गई। अमिताभ कोर्ट चले, उन्होंने बताया, पुलिस में शिकायत कराई, मामला कोर्ट पहुंच गया। अब पब्लिक हिट गई, अमिताभ को क्लीन चिट मिल गई सारी चीजों से। अब बात यह सामने आई कि परवीन स्किज़ोफ्रेनिया यानी एक शिज़ोफ्रेनिया नामक बीमारी से ग्रसित, और उन्हें एक शिज़ोफ्रेनिया एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें आदमी को डर होता है कि उसे कोई कुछ कर देगा। बहुत सारे लोगों को ये बीमारी हो जाती है कि वो भयाक्रांत रहने लगता है। परवीन को भी शायद यही, डरने लगी और शायद किसी डर की वजह से वो अमिताभ पर आरोप लगाने लगी। वजह चाहे जो ही रही लेकिन ये मामला जैसा ऑन स्क्रीन था अमिताभ और परवीन का, ऑफ स्क्रीन काफी बिगड़ गया। दूसरी कहानी एक प्यार की कहानी है, ऐसे रिलेशनशिप की कहानी है जो आज भी लोगों की जुबान पर है। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, लेकिन बस नहीं कहते हैं तो कहते हैं अमिताभ। कभी कहेंगे ही नहीं, वो कभी कुछ नहीं कहते, हमेशा डिप्लोमेटिकली राइट है। लेजेंड है, महानायक है और सारी चीजों पर वो कोई राय नहीं रखते, बस खबरें होती हैं। और ये खबर है, ये बात है अमिताभ और रेखा के लिए। मैंने भी देखा नहीं, नहीं वो सुना है, जाना है, समझा है, पढ़ा है। तो एक किताब के हवाले से आपको सुना रहा हूँ। ये किताब रेखा पर है और उसमें बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं। तो इस किताब के हवाले से ये है कि जब अमिताभ और रेखा का प्यार परवान चढ़ रहा था, दोनों बहुत क्लोज रिलेशनशिप में थे, तभी अमिताभ को एक और लड़की थी जो पसंद करती थी, वो थी नेली बख्तियार। नेली बख्तियार ईरान के प्रधानमंत्री थे शापुर बख्तियार, उनकी बेटी थी। अमिताभ भी थोड़ा उसे पसंद करते थे, बोली चिट्टी थी, खूबसूरत थी, और नेली को धीमे धीमे वो सारे हक अधिकार मिल गए थे जो किसी के लिए भी, अमिताभ किसी को कुछ अधिकार देते ये बड़ी बात होती है। नेली बेखटके अमिताभ के मेकअप रूम में आती थी, उनसे बात करती थी, उनके पास बैठती थी। ये होता रहता जब भी नेली इंडिया आती थी आराम से। लेकिन ये बात धीमे धीमे रेखा के कानों में पड़ी, जाहिर सी बातें पढ़नी ही थी, क्यों ही नहीं पड़ेगी। ये बात रेखा को शुरुआत में तो बुरी लगी, चलो नॉर्मल है नॉर्मल, लेकिन बाद में रेखा को ये सब बुरा लगा। ऑब्वियस सी बात, वो किसी पर हक समझती थी और उन्हें बुरा लगने लगा। अमिताभ की शादी तो हो ही चुकी थी
अपने लिए आना जारी था। कई बार रेखा ने बात करने की कोशिश की अपना, आप उसे रोके सही नहीं है और वो क्यों आती है, तो आप उसको टालते रहे। एक बार ऐसा हुआ जिसका अंदाजा शायद किसी को नहीं था। वही किताब में लिखा है कि एक फिल्म के सेट पर रेखा आई और उन्होंने किताब में झगड़ना शुरू कर दिया। मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वो आती क्यों है और आप मुझे रोकिए, बात बहुत बढ़ गई। और किताब में रेखा को हरे सीन हरे शॉट चाटा ये कहते हुए कि हाउ डेयर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे मामले में दखल देने की और आइंदा मेरे किसी काम में मेरी किसी बात में दखल ना। बड़ी बात, रेखा ने तय कर लिया कि अब अमिताभ के साथ किसी फिल्म में काम नहीं करूंगी, बिल्कुल नेवर। तभी यश चोपड़ा जो लेजेंड डायरेक्टर, वो एक फिल्म के बारे में सोच रहे हैं और अमिताभ से बात करी कि मैं यार एक फिल्म डिजाइन कर रहा हूँ, सोच ही रहा हूँ, बल्कि कहो कि इसे कन्फर्म ही करूंगा कि तुम्हारा ट्राइंगल, यू आर अ मैरिड मैन बट तुम्हारा किसी से अफेयर भी है, किसी को चाहते हो, ये ट्राइंगल पर मैं फिल्म बनाऊंगा और मेरी कास्ट है कि तुम्हारी वाइफ रहेंगी, एस जी ने कहा कि तुम्हारी वाइफ रहेंगी जया और तुम्हारी प्रेमिका के रोल में रहेगी रेखा। जया ने भी अमिताभ के साथ काम करने से कि हम दोनों साथ में नहीं आएंगे कुछ खटपट हुई थी। मैंने कहा कि मैं भी अब फिल्मों से बहुत ज़्यादा वो नहीं, मैं भी अब नहीं रहूँगा। अमिताभ ने कहा दोनों चीज़ें संभव है, यह चीज़ रेखा भी मेरे साथ काम नहीं करेगी और जया ने भी कमोबेश मना जैसा ही कर दिया है कि वो भी नहीं, आप कोई और कास्ट ढूंढ। बोले अमित मैं यही चाहता हूँ कि कास्ट यही हो। बोले असंभव है, कास्ट चालू हुई। जिस फिल्म की बात कर रहा हूँ ये 1981 की फिल्म सिलसिला, समझ गया हूँ यार। ठीक है साहब, कास्ट तय होना शुरू होती है, बहुत सारी एक्ट्रेसेस आती हैं, अंत में फाइनल होता है कि पूनम ढिल्लन और परवीन प्रेयसी के रोल में, प्रेमिका के रोल में, पूनम ढिल्लन वाइफ के रोल में। कश्मीर में शूटिंग होनी है, एक्ट्रेसेस फाइनल हो गई है, इस पर मुहर लग गई है, यश खुश नहीं, पूरा क्रू कश्मीर जा चुका है इंक्लूड अमिताभ, लेकिन यश अभी भी खुश नहीं। शूटिंग शुरू होने से एक दिन पहले शाम को यश अमिताभ के कमरे में आते हैं होटल में, कहते हैं कि अमित यदि मुझे मेरी कास्ट दे दो अभी भी, मेरी कास्ट सुपरहिट बना दूंगा फिल्म, फिल्म सुपरहिट। फिर कहते हैं कि ये नहीं हो पाएगा, ये नहीं हो पाएगा। यश कहते हैं यार सारा नुकसान मैं झेल लूंगा, एक बार कोशिश करके तो देख लो, होल्ड कर लेते हैं, एक बार चले तो जाओ, जाकर एक बार तुम अपनी तरफ से। बोले क्या मेरे जाने से होगा? बोले कोशिश तो करो, एक बार मेरी कास्ट करो तो बुक में ऐसा ही। हमें तब कहते हैं ठीक है, शूटिंग होल्ड पर है। रेखा के पास वही रेखा जिन्हें वो किताब में रेखा सुना, फिल्म में ये रोल, रेखा क्या ही चाहती, तो जिसे चाहती थी वो उनके सामने, वो खुद एक रिक्वेस्ट लेकर आया, तुरंत दरखास्त मंजूर हो रेखा होके अमिताभ ने जया को भी मना लिया। आखिरकार वही हुआ जो यश चाहते थे, यश को उनकी मुंह मांगी कास्ट मिल गई, बाकी सब इतिहास है, सिलसिला बन गई। स्विट्जरलैंड की शूटिंग, कमाल की अदाकारी, बेहतरीन गाने, बेहतरीन संगीत, बाकी कुछ और मुझे बताने की जरूरत नहीं। सिलसिला एक फिनोमिना हुई।
सिलसिला बहुत अच्छी फिल्म बनी, सब कुछ शानदार, लेकिन इतना मैंने सुना समझा जाना वो भी चीज़ें पढ़ी, सिलसिला पसंद तो की गई थी लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये लव ट्राइंगल तो था ही, साथ में थोड़ा सा ये मामला था कि लोगों को ये पसंद नहीं आया कि अमिताभ पत्नी के रहते हुए ऐसा कुछ भी कर रहे हैं। ओपनिंग बहुत ज़बरदस्त थी, मतलब लोग 12 से 3 की टिकट लेने जा रहे थे और 6 से 9 की टिकट फिल्म देख रहे थे, ऐसा क्राउड था, लेकिन शानदार थी, लेकिन बहुत बड़ी हिट नहीं हो पाई। फिर भी फिल्म आज भी पसंद की जाती है लोगों की जुबान पर, आज भी सिलसिला कमाल के बारे में देखा एक सिलसिले दूर तक निगाह हो गई, वही लेजेंडरी रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे, तो सब कुछ जबरदस्त, अंततः फिल्म बनती है, रिलीज होती है, आज सबके सामने, तो ऐसा ही अमिताभ के साथ चलता रहा, महानायक लेजेंड है, आज भी उसी शिद्दत से उस तहदी से काम में लगे हुए हैं, छोटा सा ही सीन क्यों ना हो पूरी शिद्दत से करते, बस यही दिया जाए। दोस्तों अमिताभ अपने काम से अमिताभ, आज भी उनका समर्पण काबिले तारीफ, लगन काबिले तारीफ, इंडस्ट्री में उनको 53 साल हो चुके हैं, पहली फिल्म 1970 में, 2022 में ये फिल्में कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, तमाम सारी चीजें कर रहे हैं, और उसी भाव से, उसी शिद्दत से, उसी ऊर्जा से, कहां से लाते हैं वो मेरे के सामने तो मास्टरपीस है। आज हो सकता है मैं शिव की तो ज्यादा बड़े शब्द बोल लेकिन शोले का डायलॉग है, पार्टनर अब बोल ही दिया, तो केबीसी के डायरेक्टर कहते हैं कि अमिताभ आज भी किसी भी शॉट को ऐसे देते हैं मानो ये शॉट उनके करियर का डिसाइडिंग शॉट हो, मतलब इससे उनका करियर डिसाइड हो, इतना बड़ा एक्टर हो और इतनी शिद्दत, इतनी लगन, इतना समर्पण, यही उन्हें अमिताभ बनाता है, यही उन्हें महानायक और इस कद का बनाता है, ये सब कुछ सीखा जा सकता है मेहनत से, लगन से, काबिलियत से ऊंचाई पर पहुंचा जा सकता है, लेकिन उससे कायम रख बहुत कठिन, 53 साल कम नहीं, बहुत बड़ा स्टैंड, आज भी सम्मान उन्होंने कमाया, वन मैन इंडस्ट्री कहा जाता है, इस आदमी को पीढ़ियां याद रखें, पीढ़ियां याद रखें, दादा दादी याद रखे हुए हैं, दादा दादी के बच्चे याद रखे हुए हैं, मिडिल एज जैसे बच्चे याद, तीन पीढ़ियों शायद चार पीढ़ियों में याद रखें, साथी के बारे में बताने के लिए कुछ रह नहीं, वो आदमी अपने आप में फिनोमिनल, ज्यादा ज्ञानवाणी हो गई, माफी चाहता हूं, अगले शनिवार शाम 6 बजे फिर एक नई कहानी लेकर आऊं, तब तक स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, अपनों के साथ सुनते रहिए मुझे, नहीं तो हमारी कहानी अच्छी लगती हो तो हमारा यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनों से भी करवाइए, आज अमिताभ की कहानी सुनाई तो यूं ही तो नहीं जाऊंगा, आपको जाने दूं, कुछ गाने सुनिए धमाकेदार वन एंड ओनली किशोर की आवाज में, एंजॉय कीजिए, जय हिंद। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए, रंग बरसे अरे रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे।
अपनी को जैसे तैसे थोड़ी ऐसे या वैसे कट जाएगी। आपका क्या होगा जनाबे आली। Oh, oh, oh.